हेलो दोस्तों, आई एम जयविंदर सिंह फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉरपोरेट एडवाइजर्स एंड आज हम बात करने वाले हैं जो चेंजेज आए हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो 10 जनवरी 2019 को हुई है। यह है 32nd मीटिंग है, 32वीं मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की। तो इसमें काफ़ी चेंजेज आए हैं, तो उन्हीं चेंजेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये चेंजेज हैं, ये एक्चुअली ये चेंजेज छोटे बिजनेसमैन के लिए आए हैं, जो एमएसएमई हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए ये चेंजेज आए हैं। तो ये है जीएसटी काउंसिल इन द 32nd मीटिंग हेल्ड ऑन 10 जनवरी 2019 एट न्यू दिल्ली टुक द फॉलोइंग डिसीजन टू गिव रिलीफ टू एमएसएमई। तो ये एमएसएमई के लिए है, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हेल्ड हुई है। तो पॉइंट नंबर वन है इंक्रीज इन टर्नओवर लिमिट फॉर द एग्जिस्टिंग कंपोजिशन स्कीम। जो एग्जिस्टिंग कंपोजिशन स्कीम है, जो 1 करोड़ की लिमिट थी, वो बढ़ा करके 1.5 करोड़ कर दी गई है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वुड डिसाइड विद इन 1 वीक अबाउट द कंपोजिशन लिमिट इन दियर रेस्पेक्टिव स्टेट। यानी कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट 1.5 करोड़ हो जाएगी, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं लाइक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक्सेट्रा, इनमें ये लिमिट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी विद इन 1 वीक। 1.1 है द कंप्लाइंस अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल बी सिंप्लीफाइड एज दे नाउ वुड नीड टू फाइल 1 एनुअल रिटर्न। अब कंपोजिशन स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न ना फाइल करके हमें एनुअली रिटर्न फाइल करनी है, बट पेमेंट ऑफ टैक्सेस वुड रिमेन क्वार्टरली। यानी कि हमें पेमेंट ऑफ टैक्स क्वार्टरली ही करने होंगे अलोंग विद द डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन के साथ पेमेंट ऑफ टैक्स क्वार्टरली करने होंगे, रिटर्न एनुअली फाइल करनी होगी। पॉइंट नंबर टू है हायर एग्जेम्पशन थ्रीशोल्ड लिमिट फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। देयर वुड बी 2 थ्रीशोल्ड लिमिट फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स ₹20 लाख एंड ₹40 लाख। State would have an option to decide about one of the limits within a week's time. तो supplier of goods के लिए ये limit बढ़ाई गई है 40 लाख एंड 20 लाख। तो स्टेट गवर्नमेंट विदिन ए वीक डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन से लिमिट को एक्सेप्ट करते हैं। The threshold for registration of service providers, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए अभी पहले वाली लिमिट से नॉर्मल स्टेट्स में 20 लाख की और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख रुपए की लिमिट। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, ए कंपोजिशन स्कीम शैल बी मेड अवेलेबल फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज और मिक्सड सप्लायर्स, जो सर्विस भी सप्लाई करते हैं और गुड्स भी सप्लाई करते हैं, विद ए टैक्स रेट ऑफ 6%, 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी, हैविंग एन एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 लाख। एक्चुअली पहले जो कंपोजिशन स्कीम थी वो सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए थी, जो लोग गुड्स की सप्लाई करते हैं, गुड्स में डीलिंग करते हैं। लेकिन अब कंपोजिशन स्कीम जो लोग सर्विसेज में डील करते हैं उनके लिए भी लाई गई है, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनकी टर्नओवर अप टू 50 लाख होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3.1 है द सेड स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू बोथ सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज who are not eligible for presently available composition scheme for the goods. They would be liable to file annual return with quarterly payment of taxes along with a simple declaration. यानी कि composition dealer को अब annual return file करनी होगी, लेकिन quarterly उनको declaration देनी होगी और quarterly payment of tax करना होगा। Effective date, the decision at serial number 123 above shall be made operational from 1st April 2019. यानी कि composition scheme में changes आए हैं and ये threshold limit change हुई है, तो इसके regarding effective date है 1st April 2019, ये 1st April 2019 से effective होंगे। 5th है free accounting and billing software shall be provided to small taxpayers by the GSTN, यानी GST network के द्वारा free accounting and बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसकी क्या क्या कंडीशन है वो आगे आने वाली
मीटिंग्स में बताए जाएंगे। मैटर्स रेफर टू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ए सेवन मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द प्रपोजल ऑफ गिविंग ए कंपोजिशन स्कीम टू बूस्ट द रेजिडेंशियल सेगमेंट ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, यानी जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको कंपोजिशन स्कीम में लाने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेवन मेंबर की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट की गई है, यानी कि वो लोग एग्जामिन करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर को कंपोजिशन स्कीम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। सेकंड है, ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर ऑन द लॉटरी, यानी जीएसटी रेट लॉटरी बिजनेस पे कितना होना चाहिए उसके लिए भी ग्रुप ऑफ मेंबर की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है। रिवेन्यू मोबिलाइजेशन फॉर नेचुरल क्लैमिटीज, यानी कि जो बाढ़ वगैरह या नेचुरल क्लैमिटीज के द्वारा कुछ प्रॉब्लम आई है ये मेनली स्टेट ऑफ केरला के लिए लाई गई है। द जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड लेवी ऑफ सेल्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट ऑफ केरला एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 1% फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी कि जो विद इन द स्टेट ऑफ केरला सप्लाई ऑफ गुड्स होगी उस पर 1% का सेल्स लगेगा जो अप टू 2 ईयर है, यानी अब से 2 साल तक लगेगा। तो दोस्तों आज की मीटिंग में इतना ही था, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए इनके बारे में। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।